हम लोग तो परमानेंट लोग नहीं है, आप लोग परमानेंट लोग हैं। हम लोग तो चुनाव जीतेंगे तो सरकार में रहेंगे, हारेंगे तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग तो जहां हैं कम से कम वहां तो जरूर रहिएगा और आगे तो जरूर बढ़िएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपने राजनीतिक भविष्य की डर सताने लगी है। बता दें कि आज पटना के अधिवेशन भवन में सिविल सेवा 2023 कार्यक्रम जो है वो आयोजित की गई है, और इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शिरकत किया। और मंच पर जब अफसरों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता उन्होंने व्यक्त की और कहा कि मैं तो परमानेंट नहीं हूं, मैं इस बार हूं लेकिन अगली बार यानी अगले चुनाव में अगर मैं हार जाता हूं तो मैं अगली बार नहीं आऊंगा, लेकिन आप तो परमानेंट हैं, जनता चुनेगी तो ही मैं आऊंगा। तो देखिए अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर किस तरह से तेजस्वी यादव ने चिंता व्यक्त की है और अफसरों के सामने ये बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि मैं तो परमानेंट नहीं हूं लेकिन आप लोग परमानेंट है तो आप लोग अपना काम अच्छे से करिएगा। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव या अधिवेशन भवन में अफसरों को संबोधित करते हुए, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। हम लोग तो परमानेंट लोग नहीं है, आप लोग परमानेंट लोग हैं। हम लोग तो चुनाव जीतेंगे तो सरकार में रहेंगे, हारेंगे तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग तो जहां हैं कम से कम वहां तो जरूर रहिएगा और आगे तो जरूर बढ़िएगा। तो आप पे बड़ी जिम्मेवारी है कि सारी चीजों का निष्पादन जो है कैसे हो, और आप लोग सब लोग जो है इम्प्लीमेंट, चाहे सरकारी स्कीम हो या पॉलिसीज हो, उसका आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना जरूर हम कहेंगे कि एक उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे पास डॉक्टर का फाइल आता है विदेश जाने की छुट्टी मांगने का, तो हमने ACS साहब को बोला कि ये फाइल क्यों आता है, और कहीं ना कभी आता है कभी नहीं आता, कभी एक महीने पहले कोई दिया उसका आता है, कभी जो आज दिया उसका आ जाता है। तो हम बोले कि भैया इसको ऑनलाइन कर दीजिए ताकि कोई भी है उस चीजों को दे सकता है, ट्रांसपेरेंसी हो सकती है और जो फाइलें हैं वो कहीं कोई जो है दिक्कत नहीं होगी, कभी कभी कोई टेबल पर रुक जाता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जहां सुधार लाया जा सकता है, और सरकार की छवि जो है आप पर बड़ी निर्भर करती है। अगर जनता के बीच आप लोगों की छवि अच्छी है तो सरकार की छवि अच्छी बनी रहेगी। हम सब लोग चाहते हैं, यहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान, जो आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, हम लोग कौन नहीं चाहता कि हमारा देश प्रदेश आगे बढ़े। और आई एम थैंकफुल टू यू गाइस कि आप लोग जो हैं इतना बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं, अपने परिवार के साथ कम रहना होता है, लोगों के बीच ज्यादा रहना होता है, दिन रात मेहनत करके आप लोग इस स्थान पर आए हैं, और बुढ़ापे तक आप लोग जो है जन सेवा में अपना उम्र जो है गुजारने का काम कीजिएगा। इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप जो है सैक्रिफाइस किए राष्ट्र के निर्माण के लिए, बिहार राज्य के लिए, लोगों के लिए। तो ऐसी आज मौका मिला आप लोगों के बीच आने का, आप लोगों ने निमंत्रण दिया है, इसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से हम शुभकामनाएं कहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे, हम तो चाहते हैं कि इनके नेतृत्व में तो बहुत बड़े बड़े काम हुए, और मुझे भरोसा है कि इनके नेतृत्व में हम सब एक टीम के तौर पे इनके लीडरशिप में बिहार को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। साथ ही साथ मुझे उम्मीद भी है कि कुछ लोग नकारात्मक सोच के लोग होते हैं जो काम को आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते, और कुछ नकारात्मक सोच के ऐसे लोग होते हैं, मान लीजिए सरकार आती है बदलती है लेकिन ऐसी ऐसी बातें कही जाती है कि बिहार में जंगल राज है, कल सरकार कुछ थी आज कुछ सरकार बनी महागठबंधन की तो जंगल राज आ गया। तो ये सवाल हम पे नहीं उठाए जाते, ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोग जो हैं आप लोगों के भी कार्यशैली पे सवाल जो है वो उठाने का काम करते हैं, तो उन सबको हम लोगों को मिलकर के जो है जवाब देने की जरूरत है। और उम्मीद यही रखिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है उसको हम सब लोग मिलकर के मुख्य धारा में लाने का काम करें,
जब तक गरीब आगे नहीं बढ़ेगा, वंचित शोषित आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता, और जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप सब लोगों को आज सिविल सेवा दिवस के अवसर पर एक बार फिर शुभकामनाएं हम देते हैं, और अंतिम में हम जरूर इतना कहेंगे कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो आप लोगों ने देश के लिए, राज्य के लिए, लोगों के लिए किया है, उसको कभी भुलाया नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।